गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड में अपना चैप्टर 14 स्टार्ट करते हैं, स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफीज इन इंडिया। बेटा इससे पहले मैंने आपको कुछ वर्ल्ड के बारे में बताया था, जो हमारा वर्ल्ड है उसमें कितने ओशंस हैं, कितने कितने सी हैं, क्या कौन सा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, कौन सा डेजर्ट है जो बहुत फेमस है वर्ल्ड में, ठीक है, उसके बारे में बताया था। चलिए आज हम अपना चैप्टर 14 स्टार्ट करते हैं, स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफीज इन इंडिया, के भारत में जो खेल हैं उन खेलों के लिए कौन सी ट्रॉफी, कौन से पुरस्कार उनको मिलते हैं भारत में, है ना। चलिए अब इनको आप ध्यान से देखेंगे जिससे कि आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर वन है, नेम द स्पोर्ट एसोसिएटेड विद द बुडवान कप। ये है बुडवान कप। अब उन्होंने पूछा है ये जो बुडवान कप है ये कौन से खेल से संबंध रखता है ना। स्पोर्ट माने होता है खेल, एसोसिएटेड माने होता है संबंध रखना। तो आंसर है वेट लिफ्टिंग इज एसोसिएटेड विद द बुडवान कप। जो वेट लिफ्टिंग, जो भारोत्तोलक, देखो इमेज में देखिए ऐसे भार उठाते हैं ना, ये भारोत्तोलक कहते हैं इसको हिंदी में, वेट लिफ्टिंग के भारोत्तोलक में ये बुडवान जो कप है ये मिलता है, ठीक है, जो फर्स्ट आता है। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, नेम द स्पोर्ट एसोसिएटेड विद द बॉम्बे गोल्ड कप। अब देखिए आप इसकी इमेज देखिए पहले, है ना, ये है बॉम्बे, बॉम्बे गोल्ड कप जो है ये किसमें मिलता है, हॉकी। हॉकी इज एसोसिएटेड विद द बॉम्बे गोल्ड कप। हॉकी जो है हमारा गेम है वो क्या है, उसमें इंडियन ऑयल ने इसको रखा है बॉम्बे गोल्ड कप को, जो हॉकी के फील्ड में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच स्पोर्ट इज एसोसिएटेड विद द दुलीप ट्रॉफी। अब ये दुलीप ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, क्रिकेट इज एसोसिएटेड विद द ड्यूलिप ट्रॉफी। जो क्रिकेट होता है जो नेशनल या स्टेट लेवल पर होता है उस पर ड्यूलिप ट्रॉफी हम मतलब दी जाती है क्रिकेट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, नेम द स्पोर्ट एसोसिएटेड विद द ड्यूरेंट कप। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, ड्यूरेंट कप किसके फील्ड में दिया जाता है, कौन सा खेल खेलते हैं, है ना, तो कौन सी हमें ट्रॉफी मिलती है। तो आंसर है फुटबॉल इज एसोसिएटेड विद द ड्यूरेंट कप। जो ड्यूरेंट कप है वो किसके लिए दिया जाता है, फुटबॉल के लिए दिया जाता है। देखिए बेटा ये गेम भी मैं आपको इसकी इमेज भी शो कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर फाइव, नेम द स्पोर्ट एसोसिएटेड विद द ध्यानचंद ट्रॉफी। बेटा आपने ध्यानचंद ट्रॉफी के बारे में बहुत सुना होगा, बहुत फेमस ट्रॉफी है, लेकिन ये किसके फील्ड में दी जाती है, आंसर हॉकी इज एसोसिएटेड विद द ध्यानचंद ट्रॉफी। ये हमारी हॉकी के फील्ड में दी जाती है, नेशनल लेवल पर जब हम खेलते हैं तो हमें कौन सी ट्रॉफी मिलती है, ध्यानचंद ट्रॉफी। अब मैं आपको बता दूं ध्यानचंद कौन थे। ध्यानचंद बेटा एक आर्मी के जवान थे, 1971 में भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान थे। ये खिलाड़ी भी थे और टीम के कप्तान भी थे 1971 में, 1971 में, और ये भारत विश्व हॉकी के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं, भारत में भी जाने जाते हैं और कहां विश्व में भी, ये बहुत अच्छे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। इनके जन्मदिन पर ही राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इनका 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 जन्म कब होता है, 29 अगस्त को होता है, ठीक है, 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, उस दिन इनका जन्मदिन है। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, नेम द स्पोर्ट एसोसिएटेड विद द इज़रा कप। अब आपने इज़रा कप के बारे में भी सुना होगा, चलिए मैं बता देती हूँ। इसकी इमेज देखिए पहले, ये होता है हॉर्स पर खेलते हैं और हाथ में एक स्टिक होती है और छोटी सी बॉल होती है जिसको क्या कहते हैं, पोलो। आंसर है पोलो इज एसोसिएटेड विद द इज़रा कप। ये इज़रा कप एक लोकप्रिय पोलो टूर्नामेंट है ना, जो दिया जाता है और भारत में हर साल कलकत्ता पोलो क्लब द्वारा आयोजित किया जाता है। कलकत्ता पोलो क्लब है बेटा, इसकी पूरा एक एक टीम है जिसे जिसके द्वारा खिलाया जाता है ये, ठीक है, और ये बहुत ही पोलो जो है बहुत ही फेमस गेम भी है, और आप देख रहे हैं इसकी इमेज, और ये बहुत पुराना हमारे भारत में राजा महाराजों के समय से ये वाला गेम खेला जाता है, ठीक है। चलिए अब आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे और इसके बारे में इसको लर्न करेंगे और इसके बारे में नॉलेज रखेंगे। थैंक यू।